हेलो फैंस, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं? तो बस देख लीजिए, साफ़ सफाई और भगदड़ में लग रहे हैं। दिवाली की तैयारियों में चल रहा है पूरा समय, तो दिवाली की तैयारियों में लग रहे हैं। और आज तो मुझे पूरा समय मार्केट में हो गया है और हालत से पता चल ही रहा होगा एकदम। इसको स्टैंड को लगा देती हूँ मैं, इस पर सॉरी मोबाइल को लगा देती स्टैंड पे। हाँ जी, तो आप कैसे हैं बताइएगा। मैं तो बहुत अच्छी, अभी मार्केट से आई हूँ मैं और बहुत कुछ लेके आई हूँ। धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँ कि क्या लेके आई हूँ। तो ये देखिए, आज तो ये प्याज लेके आई थी और मेहंदी देखिए अभी तक कितनी, खैर कल ही तो लगाई थी, परसों लगाई थी। देखिए मेहंदी का कलर। और मुझे आपको बताना अभी है कि मैंने अपना करवा चौथ पे व्रत कब खोला था। तो मैंने अपना व्रत खोला था 1 बजे रात को, 1:30 बजे। तो मतलब मैं काम करती जाती हूँ और आप लोगों से बात करती रहूँगी। तो खाने में बनाना है मेरे चिकन। मैं आपको बता रही थी कि ये रात को ना 1:30 बजे आए थे, तो हम लोगों ने 1:30-2 बजे खाना खाया था और इन्होंने पानी पिलाया, उसके बाद मैंने व्रत खोला था। और यहाँ पर मुझे अपने किचन का मेकओवर करना। हाँ तो वो जीजी से पूछो, पाजी से पीछे। तो गोटियाँ लेने आई थी और अभी मैं बनाने वाली हूँ चिकन। तो चिकन ला कर रखा है, 7 बज रहे हैं। किचन को मुझे मेकओवर करना है, किचन का जो स्लेट है ना इसको थोड़ा चेंज करना है। कैसे चेंज करना है देखते रहिएगा ब्लॉग लास्ट तक। ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन रहता है उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो इससे पहले के ब्लॉग मैंने अपना वॉल को मेकओवर डाला है, जिसमें मैंने अपने वॉल को पुरानी फिल नहीं करा है, ये क्या बोलते हैं वॉल पे वॉल मेट लगा के। इसी तरह से मैं अपना प्लेटफॉर्म भी न्यू करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें ना पास से देखो ना तो इसमें डॉट 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 दिखते हैं, बहुत पुराना स्लेट है। तो उसको मैं कुछ नया करूँगी, कैसे करूँगी देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने रोटियाँ तो बना के रख दी हैं, अब मैं सब्जी बना देती हूँ, उसके बाद पूरा किचन साफ करके और फिर करना है काम। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, फिर बोल रही हूँ आप लोगों से। और अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मसाला बना के और सब्जी छोकने के बाद, खाना खाने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पर मैं बालों में क्लेचर लगा रही हूँ, क्योंकि अब करने वाली हूँ सफाई का काम। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैं लगाने वाली हूँ वॉल में। तो खाना वाना सब हो चुका है हमारा और अभी बज रहा है 9, तो मतलब 9 बज रहा है, यानी कि 7 बजे मैं किचन में आई थी खाना बनाने, उसके बाद मुझे 9 बज गया है। और बस यहाँ पर ये थोड़ी सी जो गंदगी है ना उसको साफ़ कर देती हूँ। बिल्कुल भी मतलब जैसे कुछ दाने दाने जैसे कुछ हो ना वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लीन कर लीजिए आप प्लेटफॉर्म को और फिर उसके बाद जो है ना वॉलपेपर लगाइए। यहाँ पर जो ऊपर का स्लेब का जो ऊपर सीढ़ी जा रही ना उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे पेंट करना है। और ये इस तरह से पूरा क्लीन कर लेंगे हम, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहने देंगे प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर देखिए ये मेट लेके आई थी मैं, और जो मैंने वॉल पे लगा रखा वो मेट पतला वाला है और ये जो प्लेटफॉर्म पे लेके आई ना ये थोड़ा मोटा वाला है। तो इसको लगाऊंगी प्लेटफॉर्म पे, और ये खुद उनने ही दिया था कि आप इस पे को प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हो और इसको वॉल पे भी लगा सकते हो, लेकिन इतनी मेहनत नहीं होगी क्योंकि ये कड़क है। तो मैं तो पतला वाला ही लगाई थी और इतना अच्छा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है इसको फर्श पे बिछा लो, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मलमल सा लग रहा है, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा था इस पे बैठने पर। तो यहाँ पर मैंने स्लेब का नाप ले लिया था और मुझे कहाँ कहाँ से कितनी कितनी कटिंग करनी है वो सब मैंने ले लिया है। तो बस उसी नाप से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, ताकि कहीं भी ज़्यादा बड़ा छोटा ना हो और बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो यहाँ पर देखिए बस मैं कटिंग करके और फिर इसको चिपकाने का काम करूँगी।
तो यहाँ पर ये सुलोचन मैंने लिया है, बचा हुआ था पहले, इसको ख़त्म कर देती हूँ और इस तरह से मैं लगा रही हूँ इसको, और अच्छे से लगा के कोने कोने पे अच्छे से लगा के और फिर इसको प्रेस करना। और इस बात का मतलब ध्यान रखिएगा कि प्लेटफॉर्म पे कुछ भी ना रहे, एक राय का दाना भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये ना मतलब वहीं से फिर ये खुरदरा खुरदरा दिखता, अच्छा नहीं लगता है। मतलब हाथ फेरोगे ना इसके ऊपर तो वो अच्छा नहीं लगेगा, अजीब सा लगेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा बिल्कुल प्लेटफॉर्म क्लीन रहना चाहिए। और उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म पर आप लगाते जाइए सुलोचन या जो भी चिपकाने वाला जो मटेरियल देते वो देते हैं उसको आप लगाते जाइए, और ये मेट को इस पर चिपकाते जाइए। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं चिपका रही हूँ ना, बस उसी तरह से आपको चिपकाना है इसको, और बहुत ही मजबूती से चिपक जाता है। तो यहाँ पर देखिए इतना लग गया है, उसके बाद ये जो गैस है ना उसको उठा के मैं इस साइड रख दूँगी और इस साइड भी लगा लूँगी मैं, और ये छूटता नहीं है, इसको मैंने हाथ से लगाया लेकिन ये छूटेगा नहीं, और इसको मुझे तारपीन या फिर केरोसिन से छुड़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गैस को मैंने उस साइड उठा के रख दिया है, और अब यहाँ पर भी मैं लगा लूँगी सोल्यूशन, और कोनों कोनों पे ज़्यादा लगाना है और थोड़ा बहुत बीच में लगाना है, तो भी बहुत अच्छे से चिपक जाता है। तो मतलब एयर अंदर नहीं भरना चाहिए, और अगर भर भी जाती है तो उसको वापस निकाल दीजिए आप, इस बात का ध्यान रखना। और ज़्यादा सुलोचन भी नहीं लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा सुलोचन भी मेट को जला देता है और वहाँ से पिघला पिघला सा दिखने लगता है वो। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है, और इसको भी मैं चिपका देती हूँ। तो यहाँ पर जो फ्रंट में दिख रहा है ना जो ब्लैक एरिया, उस पर भी मैंने पट्टी काटी है 1.5 इंच की, तो उसको भी मैं सुलोचन से चिपका दूँगी तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल एक जैसा लगेगा। और ये देखिए इस तरह से लगा रही हूँ, और कॉर्नर पे ज़्यादा अच्छे से लगाना है आपको, और बहुत ही ईजीली लग गया था ये, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी, बस इस बात का ध्यान रखना है कि सुलोचन ज़्यादा ना लगे और अच्छे से प्रेस करके आपको इसको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ इसको, और अगर गलत हो भी जाता ना तो निकाल के वापस इसको लगा दीजिए, और एयर नहीं आना चाहिए इसमें, ज़्यादा एयर आएगी ना तो वो फिर क्या वहीं से ख़राब होने का डर रहेगा उसका। तो यहाँ पर इसको लगा लेते हैं, कोने का जो सामने का है फ्रंट उसको भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लग गया है, और मेट पूरी तरह से मैंने अच्छे से लगा दिया है सभी दूर, और जो नीचे का एरिया है ना वो तो ब्लैक पत्थर है वो अच्छा दिख रहा है, वो ख़राब नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने दूँगी, बस ये ऊपर का ज़्यादा डैमेज हो रहा था तो बस यहाँ लगा दिया मैंने। और अब कलर करते हैं, तो कलर में मेरे पास ऑरेंज कलर है तो उसी को करूँगी मैं ऊपर, स्लेब के ऊपर जो सीढ़ी का एरिया जा रहा है ना उस पर येलो कलर करूँगी, तो उससे क्या होता है जो ब्लैक पन है ना वो दब जाएगा। और इसी तरह, और ये रखा भी था मेरे पास तो मैंने सोचा इसी को ख़त्म कर देती हूँ करके। तो यहाँ पर ये येलो कलर करने के बाद हमारा गेस है जो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं एक हाथ फेरूँगी इसके ऊपर, फिर एक हाथ में कल फेरूँगी, थोड़ा ड्राई हो जाएगा उसके बाद, और ये येलो कलर भी मुझे लाना पड़ेगा अभी थोड़ा ही है तो इसको कर देती हूँ, बाकी का मैं कल करूँगी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करूँगी, और मैं आपको दिखा देती हूँ प्लेटफॉर्म कैसा दिख रहा है मेरा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर। तो आप भी इस तरह से अपने पुराने प्लेटफॉर्म को नया लुक दे सकते हो, अगर आपके स्लीव ख़राब हो गया है तो आप इस तरह से लगा सकते हो देखिए, और बहुत ही कम रेट में मुझे पड़ा है ये, 150 रुपये के आसपास मुझे इसका खर्चा पड़ा है, यानी कि 240 का मैं पूरा लाई थी 2 मीटर, जिसमें से 1 मीटर भी नहीं, मतलब समझ लीजिए आप आधा लगा है, और सोल्यूशन का डिब्बा लेके आई थी 75 रुपये का, 70 रुपये का, तो सोच लीजिए आप ही हिसाब लगा लीजिए कितने का हुआ, मतलब 310 का पड़ा है ये पूरा मेरे को, और उसमें से सिर्फ आधा ही यूज़ आया, यानी कि समझ लीजिए कि मतलब 165 रुपये का,
₹155 में देखिए प्लेटफॉर्म न्यू दिखने लग गया है। बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।